निपाह वायरस ने केरला में एक बार फिर से दस्तक दी है। जी हां, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मानसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्रीय टीम केरल भेजी गई है। मांडविया के मुताबिक निपाह की वजह से अब तक केरला में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ लोग सस्पेक्टेड है। इसके साथ ही सस्पेक्टेड लोगों का सैंपल NIV पुणे भेजा गया है, जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी अधिक मामले की जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा है कि इस बीमारी के केस में एस्टिमेटिक भी अच्छे खासे होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में लक्षण दिखे। इसमें ज्यादा लक्षण ऐसे होते हैं जिसमें खांसी आना, गले में खराश आना, इस तरह की परेशानी मुख्य लक्षण है। इंसानों में मोर्टिलिटी रेट ज्यादा है। यहाँ संक्रमण होने पर 50-70% तक मौत का खतरा रहता है। केरल में एक तरफ जंगल है तो दूसरी ओर समुद्र, दोनों में तरह तरह के जानवर होते हैं। इनके संपर्क में आने से ज्यादा बीमारी के शिकार होते हैं। केरल में हर घर में जानवर पालने की भी प्रथा है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में भी वही स्थिति है, वहाँ भी आए दिन नई बीमारी का पता चलता रहता है।